सरशमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। प्रयागराज से बड़ी खबर, कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकालकर देशवासियों को दिया संदेश, साथ ही कहा देश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकार में बेटियां बहुएं महिला नहीं सुरक्षित। आए दिन देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार और चारों तरफ हो रही वही मजदूरों और किसानों व्यापारियों के दिन दहाड़े हो रही हत्याएं, कहां गई प्रशासन और कहां गई सुरक्षा। इसी मोर्चा को लेकर कैंडल मार्च कांग्रेस ने निकाला महिलाओं के साथ, लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने देशवासियों को दिया संदेश, साथ ही कहा यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जल्द कार्रवाई या एक्शन नहीं लेती है तो हम कांग्रेसी लोग सरकार को घेराव करते आंदोलन करेंगे, पीड़ितों और गरीबों को न्याय दे, यही हमारा उद्देश्य है। उनको फांसी दी जाती है, ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में बेटी को बचाने की है। इस तरीके से पूरे देश में देखा जा रहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार से कि उन परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दे और वो सरकारी नौकरी दे। अगर ऐसा नहीं करती तो कांग्रेस सड़क पर उतर कर खुद प्रदर्शन करेगी। आज ये जो आपने प्रदर्शन किया है सुभाष चौराहे में कैंडल मार्च का, आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है। कैंडल आज हम लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो बेटी को दलित नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, उनको पेड़ पे लटका दिया गया, ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक कहीं भी उठा लीजिए, आज महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये सरकार जब कहती थी कि मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब ढकोसला है। हम ये मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर उन पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं को जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है।